हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड टू। पिछली कक्षा में हम लोग अध्याय थ्री की पढ़ाई किए थे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बुक भी दिखा रहा हूं आपको। तो इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का वर्णन किया गया है। आप लोग अच्छी तरह इसको फिर रिपीट कर सकते हैं, फिर से आप देखेंगे, बुक्स है आपके पास अवेलेबल, तो आप लोग अच्छी तरह उसे पढ़ेंगे समझेंगे। तो इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी आपको दिया गया था, भेज दिया गया था। तो आप लोग नहीं बनाए हैं तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो बच्चे छूट गए हैं, नहीं बना पाए हैं, वो फिर से इसको, इस वीडियो को देख लें और उसको अपने फेयर कॉपी में बना लें और रिवाइज करते रहें। तो मैं फिर से इसी लेसन में चलता हूँ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में ही है ना। तो आगे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यास यहाँ पर दिया गया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा। हमारे राष्ट्र ध्वज को क्या कहते हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज को सतरंगा नहीं कहते, पंजाब नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं, इसका नाम तिरंगा है। दूसरा सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु चीता नहीं है, शेर नहीं है, क्या है? बाघ है, जो साहस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। अब देखिए, हम लोग निबंध की समझ जो पढ़े हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, उसी से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर आपके बीच है। तो हमारे राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो मैंने बताया था, हमारे राष्ट्र ध्वज में तीन रंग है, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। यही आपको लिखना है इसके जवाब में। हमारे राष्ट्र ध्वज में बने चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज में बने चक्र में 24 तिलियां हैं, जो हमारे 24 घंटे का प्रतीक है, दिन रात के 24 घंटे का प्रतीक है। ये जवाब हो जाएगा इसका। और ग में आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो यही इसका जवाब आप लिखेंगे। अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसका जवाब है, हमारे राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग हमारी वीरता त्याग का प्रतीक है, यानी वीरता का प्रतीक है कि हम बहादुरी के साथ मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये वीरता की बात होती है। तो यही जवाब इसका हम लिखेंगे कि केसरिया रंग हमारी वीरता, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। तो तिरंगे के, अब दूसरा सवाल है, तिरंगे के बीच में बने चक्र को क्या कहते हैं? तो तिरंगे के बीच में बने चक्र को हम लोग अशोक चक्र कहते हैं, या इसे प्रगति चक्र भी कहा जाता है, जो हमारी गति मान होने का, जो हमारे गतिमान होने का संकेत देती है कि हम निरंतर क्या हैं, पहिए की तरह चलते रहने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं अपने प्रगति के मार्ग पर। तो यही संकेत इसका है। ये जवाब लिखेंगे कि तिरंगे के बीच में बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं या प्रगति चक्र भी कहते हैं। बाघ को किसका प्रतीक माना जाता है? तो बाघ को साहस बुद्धिमता और वीरता का प्रतीक माना जाता है। यही इसका जवाब आप लिखेंगे। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर तीन में, यहाँ पर चित्रों को पहचान कर उनके नाम से मिलान करना है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, बनियान ट्री इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीकॉक है, मोर है, ये राष्ट्रीय पक्षी आपका है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। और राष्ट्रीय फल आपका आम है। और राष्ट्रीय पशु आपका सामने है, बाघ है। तो इसको मिलान आप कर लेंगे। अब आइए हम लोग भाषा बोध की तरफ बढ़ते हैं। नंबर वन में है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। बा जोड़ घ तो क्या आप बना देंगे? बाघ बना देंगे। च जोड़ क्र क्या बना देंगे आप? चक्र बना देंगे। इसी तरह से मो जोड़ र क्या बना देंगे? मोर बना देंगे। अब्री जोड़ छ वृक्ष बना देंगे। इसी तरह से आगे है, ती जोड़ रंग जोड़ गा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर तिरंगा लिखा जाएगा। इसी तरह से र जोड़ स जोड़ दीर्घाकार सी और जोड़ ला आकार ला तब ये बन जाएगा रसीला। उच्चारण भी आप लोग इसी तरह से करेंगे, र स दीर्घाकार सी और ला आकार ला, रसीला।
तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे अपनी कॉपी में। अब नंबर दो में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या है, तो जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर का पहला व्यंजन स्वर रहित, पहला क्या होता है उसमें स्वर होता नहीं है, और दूसरा व्यंजन जो होता है स्वर सहित होता है, पहला वाला आधा होता है तो आधा का आप उच्चारण नहीं कर सकते इसलिए उसको स्वर रहित माना जाता है, और दूसरा जो है स्वर सहित होता है, तो यही ये दोनों मिलकर के ही संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला यह देखिए स्वर रहित है, त में हलंत लग गया तो क्या हो गया स्वर रहित हो गया, और त जोड़ या मिलकर के त्या बन गया, तो इससे यहाँ पर आप शब्द देखिए तीन गो शब्द बनाया गया है, सत्य त्योहार और नित्य बनाया गया है। तो यहाँ नित्य मतलब हर रोज, त्योहार मतलब उत्सव पर्व, सत्य जानते ही है सच्चाई, और इसी तरह से नया संयुक्त से बनाना है क्या न्यारा बना सकते हैं, न्याय बना सकते हैं, है ना, न्यायालय बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बना देंगे। चौथा संयुक्त से क्या बना सकते हैं, तो इकट्ठा बना सकते हैं, चिट्ठा बना सकते हैं, भट्टी बना सकते हैं, भट्टी देखे हैं जहां लोहे को तपाया जाता है उसको भट्टी कहते हैं। इसी तरह से साठा संयुक्त से आप बनाएंगे क्या बनाएंगे, पृष्ठ बना सकते हैं, कष्ट बना सकते हैं, और षष्ठ भी इस तरह से, और शब्द आप देखेंगे समझेंगे क्या बनता है आप बनाएंगे। ठीक है, बस आज आपके लिए बस इतना ही, आपकी कक्षा के लिए कार्य है, आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मैं समझता हूँ, और इसे रिवाइज करेंगे, दोहराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।